कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट हमने पढ़ा था वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, जो एक्टिव साइट में एंजाइम में बाइंड होते हैं, उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रोटीज एंजाइम है, वो एक्शन किस चीज़ पे करेगा? प्रोटीन्स पे करेगा। प्रोटीन्स क्या है? सबस्ट्रेट है। इसी तरह लाइपेज एंजाइम्स हैं, तो वो लिपिड्स पे वो जो है लिपिड्स पे, या फिर हम कहते हैं जो फैट्स है उस पे एक्शन करेगा, लिपिड्स की डाइजेशन करेगा। तो लाइपेज एंजाइम है और लिपिड्स क्या है? लिपिड उसके लिए सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट वो चीज़ जिसकी मॉडिफिकेशन होती है। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंजाइम के अंदर मोर देन वन एक्टिव साइट्स है। अब कोई एंजाइम मौजूद है, रिएक्शन जो है वो कैटलाइज कर रहा है। अब अगर हम आहिस्ता आहिस्ता, फॉर एग्जांपल, सबस्ट्रेट 10 मॉलिक्यूल्स है और एंजाइम में 25 या 30 एक्टिव साइट्स है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई होंगे, फिल होंगे, तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस। दिस इज़ ड्यू टू सक्सेसफुल कोलिजन विद एंजाइम मॉलिक्यूल्स। हमने क्या पढ़ा था कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है उनके दरमियान, तो फिर वो क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर कोलिजन का मतलब है एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे से टकराना, मीन्स करीब आना, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, यहाँ से मुराद क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन, जो हमने ऑलरेडी शो किया था। हाउएवर, इफ़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या है? सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ एंजाइम में तमाम एक्टिव साइट्स क्या है? ऑक्यूपाइड है, वो तमाम एक्टिव साइट जो है वो फिल हुए, तो इसको हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। उसमें मजीद जगह फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई भी गिलास है, उसको हम पानी सही सही सा भर रहे हैं तो उसमें पानी आ रहा है, फिर अगर गिलास फुली भर गया पानी से तो फिर उसमें मजीद पानी नहीं आएगा। अगर हम उसमें मजीद पानी डालेंगे तो उसका गिलास के लेवल पर कोई असर नहीं होगा, पानी नीचे गिरेगा। तो ये क्या है? ये सेचुरेशन पॉइंट है। अब द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि मजीद एक्टिव साइट्स नहीं है। इवन अगर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और भी है लेकिन एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन जो है, रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज मोर, रिएक्शन ज़्यादा फिर मजीद इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा? स्टेडी होगा। ये एंजाइम एक्टिविटी है, ये सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है। आहिस्ता आहिस्ता हम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अब एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पर तमाम एक्टिव साइट जो है वो क्या होंगे? फिल हो जाएंगे। अब मजीद जगह किसी एंजाइम में एक्टिव साइट्स मजीद अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तमाम एक्टिव साइट जो है वो सब्सट्रेट ने वो क्या ही किए हैं? फिल किए हैं। अब इस लेवल पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फिर क्या होगा? स्टेडी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और मजीद जो है उसमें इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि सब्सट्रेट के लिए, बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है। फिर जब सबस्ट्रेट, कुछ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, एक्टिव साइट दोबारा अवेलेबल होगा, फ्री होगा, तो फिर मजीद सबस्ट्रेट आकर यहाँ कंबाइन होंगे, तो एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मजीद इंक्रीज हो सकता है। तो ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम नॉर्मली हैव मैनी एक्टिव साइट्स। एंजाइम हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम नॉर्मली हैव मैनी एक्टिव साइट्स। एंजाइम में बहुत से एक्टिव साइट्स होते हैं वेयर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैन गो एंड बाइंड। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं। ये कोई एंजाइम है, ये उसमें एक्टिव साइट्स हैं। अब बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स आकर इन एक्टिव साइट्स में बाइंड होते हैं। जब ये एक्टिव साइट्स में बाइंड होते हैं तो एक दूसरे के दरमियान, इनके दरमियान जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोलिजन होती है। फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन जब हो जाए उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ गया तो रिएक्शन थोड़ा सा
इंक्रीज हो गया। दोबारा दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ गया, रिएक्शन और भी तेज़ हुआ, मतलब और भी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तीसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ गया, तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, इंक्रीज हो रहा है ना रिएक्शन। फोर्थ सबस्ट्रेट आ गया, फोर प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिफ्थ आ गया, फिफ्थ फाइव प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ पर दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनफैक्ट थ्री और हैं, लेकिन अब इस लेवल में, इस पॉइंट पे अब रिएक्शन रेट क्या है, ये बिल्कुल अब इक्विलिब्रियम तक पहुँच गया। अब यहाँ पर तमाम एक्टिव साइट जो है क्या है, वो ब्लॉक्ड हैं, वो फिल हैं। अब आल दो हमारे पास ये तीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अब भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी बाइंडिंग के लिए एंजाइम के पास जगह नहीं है। तो अब इस पॉइंट पे रिएक्शन रेट क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा और मज़ीद इस रिएक्शन में इंक्रीज नहीं आएगा। फिर जब फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ, ये अलग हो जाएगा, तो ये जगह फ्री हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सबस्ट्रेट आकर यहाँ बाइंड हो सकता है और रिएक्शन थोड़ा सा और भी स्पीड अप हो सकता है। लेकिन जब तक ये एक्टिव साइट्स फिल हैं तो मज़ीद जो है इसमें इंक्रीज नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एंजाइम है, उसमें हम कहते हैं 1000 एक्टिव साइट्स है, ये हमने कोई एंजाइम लिया था और इसमें 1000 एक्टिव साइट्स है सपोज। अब इसमें क्या है, 100,000 एक्टिव साइट्स है। दूसरी साइड पे हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं। अगर हम इस एंजाइम के लिए जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल हम 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अगर हम 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेते हैं तो 1000 में से 100 सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, 1000 एक्टिव साइट में से 100 एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, 100 प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर हम थोड़ा सा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और भी बढ़ाते हैं, हमने इसको बढ़ाया, 200 हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कितनी होगी, 200 प्रोडक्ट्स, क्योंकि 1000 एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, तो 1000 में से 200 एक्टिव साइट्स वो जो है वो फिल हुई, तो 200 प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और भी बढ़ाते हैं, से हम उसको 500 तक बढ़ाते हैं, तो इस पॉइंट में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम 500 तक बढ़ाते हैं, तो इस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कितनी होगी, 500 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि 1000 में से 500 एक्टिव साइट्स अवेलेबल, मतलब वो जो है ऑक्यूपाइड है, बाकी 500 फ्री है, तो 500 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 1000 तक बढ़ाया, तमाम एक्टिव साइट्स फिल हुए, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कितनी होगी, 1000 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। अब इस लेवल पे तमाम एक्टिव साइट जो है वो क्या है, फिल है, ऑक्यूपाइड है। अब हम मज़ीद अगर फॉर एग्जांपल हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहाँ तक बढ़ाएं, हम इसको करें 1200 या फिर 1100 या फिर हम करें इसको 1020 1050, हम थोड़ा सा 5 10 15 20 और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड करें, से हम कहते हैं हमने इसको 1100 तक पहुँचाया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। अब एंजाइम में हमारे पास कितने साइट्स अवेलेबल हैं, एक्टिव साइट्स, नॉर्मली उसमें हमने पढ़ा था, हमने कंसिडर किया था कि उसमें सपोज 1000 एक्टिव साइट्स हैं। अब हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 1100 तक बढ़ाया, 1000 जो एक्टिव साइट्स हैं वो तो ऑक्यूपाई होंगी, 1000 एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई होंगी, बाकी जो 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रहते हैं 1100 में से 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड हुए एक्टिव साइट के साथ, जो 100 एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रहते हैं उस मॉलिक्यूल के लिए जगह नहीं है, तो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन कितनी होगी, प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन विल बी 1000। ऑल दो हमारे पास अभी भी 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, लेकिन जो एंजाइम में एक्टिव साइट्स नहीं है, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पर स्टेडी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, 1000 एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, नो न्यू सबस्ट्रेट कैन बाइंड, 1000 तो ऑक्यूपाई हो गई एक्टिव साइट्स, लेकिन जो 100 रहते हैं उनके लिए जगह नहीं है, तो वो 100 जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी बारी का वेट करेंगे, जब तक एंजाइम में एक्टिव साइट्स फ्री नहीं होंगे तो ये मज़ीद एडिशन नहीं होगी। सो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितनी होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी ओनली 1000, क्योंकि एंजाइम में हमने पढ़ा
कि हमारे पास इसमें 1000 एक्टिव साइट्स हमने कहा अवेलेबल है। अब जब तक 1000 एक्टिव साइट जो है वो फिल है तो रिएक्शन रेट जो है वो स्टेडी होगा, मज़ीद इंक्रीज नहीं होगा रिएक्शन रेट। एज सून एज एक्टिव साइट्स आर अवेलेबल, जब तक एक्टिव साइट्स अवेलेबल है रिएक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो रिएक्शन क्या होगा इंक्रीज होगा। लेकिन जब एक्टिव साइट्स अकूफाई हो गई फिर रिएक्शन जो है इंक्रीज नहीं होगा। सो इस लेवल पे पॉइंट्स प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कितनी है, 1000 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है और बाकी जो 100 जो सबसेट मॉलिक्यूल्स हैं वो बगैर किसी रिएक्शन के मौजूद होंगे। जब तक एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ये सबसेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब सबसेट कंसंट्रेशन से हमने क्या अख़ज़ किया, इंक्रीजिंग द सबसेट कंसंट्रेशन। अगर हम सबसेट की कंसंट्रेशन मकदार, कंसंट्रेशन मीन्स मकदार हम बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस। एंजाइम एक्टिविटी क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा एंड देन बिकम्स स्टेडी। अगर हम सबसेट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं तो पहले एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी लेकिन फिर क्या होगा, देन बिकम्स स्टेडी, फिर क्या होगा स्टेडी होगा, रिएक्शन जो है वो नॉर्मल रेट में चला जाएगा। और स्टेडी कब होगा, व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर एक्टिव साइट्स तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो गई तो फिर रिएक्शन जो रेट है वो स्टेडी होगा, मज़ीद उसमें इंक्रीज नहीं आएगा। हमारे पास ये ग्राफ है, ये एंजाइम एक्टिविटी है और ये हॉरिजॉन्टल में हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। आहिस्ता आहिस्ता हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज़ हमने पढ़ा 100 है, यहाँ पर 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं तो रिएक्शन इंक्रीज हुआ, 1000 एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं। हमने इसको 200 किया और भी इंक्रीज हुआ, 200 प्रोडक्ट्स बन गई। 500 को हमने पहुँचाया, 500 प्रोडक्ट्स बन गई। इसको हमने पहुँचाया 1000 तक, 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स और 1000 एंजाइम में एक्टिव साइट्स हैं, यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन और भी इंक्रीज होगा। अब अगर हम मज़ीद ले लें, हम 1100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हम ऐड करें तो 1100 में से जो 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, दे विल कम एंड बाइंड विद द एक्टिव साइट। बाकी जो 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड नहीं होंगे क्योंकि ऑल एक्टिव साइट क्या है, अकूपाइड है। अब यहाँ पर सेचुरेशन पॉइंट पहुँच गया, अब एंजाइम में मज़ीद जगह नहीं है एडिशन की तो मज़ीद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं होंगे। इस पॉइंट पे जो हमारा रिएक्शन है वो क्या होगा, स्टेडी होगा। अब ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट ऐड नहीं हो रहा। और सबस्ट्रेट क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि ऑल एक्टिव साइट्स हमने पढ़ा क्या है, वो ऑक्युपाइड है बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट था एंजाइम के ऊपर, कि अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं तो फिर एंजाइम जो है वो रिएक्शन उसका स्पीड अप होगा। लेकिन अगर एंजाइम में तमाम एक्टिव साइट्स वो है वो ऑक्युपाई हो गई, फिल हो गई, तो फिर मज़ीद उसमें इंक्रीज नहीं आएगा। जब इंक्रीज नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन वो स्टडी होगा, सेचुरेशन पॉइंट के बाद रिएक्शन नॉर्मल होगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। फिर अगर इससे सबसेट आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, मतलब सबसेट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कम हो जाएगी। और अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं दोबारा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा। फिर जब एक्टिव साइट्स तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो जाएंगे तो फिर रिएक्शन रेट दोबारा स्टडी हो जाएगा। तो ये हमारे पास था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और उसका इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर।